नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कांग्रेस ने दिल्ली के सराय रोहिला से नगर निगम चुनावों से पहले पोल खोल यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खोखले वादों को जनता के समक्ष बेनकाब करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की अगुवाई में पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा की शुरुआत की। मतलब यह है कि जो इस प्रकार से एमसीडी के अंदर 15 सालों में नगर निगम की सरकार थी और दिल्ली के अंदर 7 साल में केजरीवाल की सरकार थी। 7 साल में केजरीवाल ने जो झूठे वादे झूठे नारे कर सरकार में आया था, आज दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत भगवान को याद करते हमारी परंपरा रही है, मैंने उसी के अंदर मत्था टेका है और आज हमने दिल्ली के गरीब लोगों के हितों की जो मांगे हैं उनकी मांगों को लेकर के इन सरकारों की हमने पोल खोलने का कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली की 70 विधानसभा, 70 दिन लगातार ये यात्रा, 272 वार्ड और लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा हम निकालेंगे। 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को और भाजपा के प्रधानमंत्री को, उनके जो खोखले वादे थे वो वादे, तमाम वादे आज खोखले साबित हुए। ये दिल्ली में पोल खोल यात्राओं का तो हमारा मकसद ये है कि ये जो केजरीवाल ने, जो आप ये देखिए केजरीवाल क्या कर रहा है, हर विधानसभा में 12 ठेके खुलवा रहा है, शराब के ठेके जो जनता के बीच में खुलेंगे, ये बहुत बड़ी नाकामी है। और केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि शराब पे इतना ध्यान क्यों दे रहा है, बेरोजगारी पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा, लोगों की नौकरियां नहीं है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हर 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 वार्ड के अंदर 3 है ना, केजरीवाल ने 3 ठेके खुलवाने का ऐलान करा है। हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता आज त्रस्त है दिल्ली के अंदर, भाजपा से भी और केजरीवाल से भी, और वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस से उसको अपेक्षा है कि हमारे दर्द को, हमारी वेदना को, हमारी पीड़ा को अगर पहले भी किसी ने उठाया है, समाधान किया है, वो आज कांग्रेस पार्टी करेगी। उनकी भावनाओं को सामने रखकर, उनके चाह से, उनकी इच्छा से ये पोल खोल यात्रा निकल रही है। इस पोल खोल यात्रा में जो भी मुद्दे और विषय हम उठाएंगे वो जनता के मुद्दे और विषय है। उधर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय में आम आदमी पार्टी के पार्षद धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी खुद धरने में शामिल हुए। मनोज त्यागी ने कहा कि सदन की बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से बिना चर्चा के प्रस्ताव पास किया जाता है। सदन की बैठक में कई प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास कर दिया जाता है, निगम में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज़ सदन में उठाता है लेकिन सत्ता पक्ष को इससे कोई सरोकार नहीं है। मनोज त्यागी ने और कहा कि बिना चर्चा के कोई प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। आज हाउस बहुत अच्छा चला, उसमें विषय आया गीले और सूखे कूड़े को अलग करके देने का विषय आया, उस पर फाइन लगाने का विषय आया, तो पूरे सदन ने एकजुटता से कहा कोई फाइन नहीं लगेगा। हमें कम से कम 6 महीने इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सूखा और गीला कूड़ा कैसे अलग किया जाए, कैसे हम लोगों को कूड़े का निस्तारण करना है। जब सब लोग समझ जाए इस बात को कैसे हम लोगों ने काम करना, उसके बाद ही जुर्माने पे या अन्य विचार किए जाए। इसके अलावा एक विषय आया जो निंदा प्रस्ताव किया गया शराब के विषय में, जो दिल्ली गवर्नमेंट ठेके खोल रही है उसके लिए निंदा प्रस्ताव आया कि ऐसे ठेके खोलना ठीक नहीं है। मेरे पास ही बहुत सी शिकायतें आई हैं कि गली के बाहर ठेके खोल के हम कहाँ जाएं, यहाँ पे शराब भी इकट्ठा होंगे, यहाँ का माहौल बिगड़ेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चलाए जा रहे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। इसी के अंतर्गत चलाए जा रहे
रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षदों ने 12 खंभा रोड स्थित चौराहे पर वाहन चालकों को जागरूक किया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस कैंपेन में पूरी तरह दिल्ली सहयोग कर रही है और लोग रेड लाइट पर अपने वाहन बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति रोजाना औसतन 8 से 10 रेड लाइट से गुजरता है। रेड लाइट पर अगर वह अपना वाहन चालू रखता है तो करीब 20 से 25 मिनट बेवजह तेल जलाता है। इस कैंपेन का मकसद रेड लाइट पर वाहनों को चालू रखने से रोकना है। अंदर ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया जा रहा है और पूरे दिल्ली में ये अभियान चल रहा है। अरे यार तू अपना पिछले दिनों विधायकों ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया था, आज पार्षदों ने लिया है। अभी हमने डिसाइड किया है कि इसे अब 7 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जन भागीदारी लोगों के माध्यम से इस कैंपेन को हम आगे बढ़ाए। सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है अगर कोई नहीं बंद करता है, इसीलिए हमारे जो ग्रीन मार्शल्स हैं वो तैनात हैं और उन लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ आज संयुक्त बैठक की, जिसमें दिल्ली में 27 अक्टूबर से पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान शुरू करने का फैसला किया गया। गोपाल राय ने इस दौरान कहा कि केजरीवाल सरकार पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान के जरिए पटाखों को जलाने से लोगों को रोकेगी, लोगों को दिवाली दिए के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पुलिस के साथ साथ एसडीएम्स की टीम भी इस अभियान में लगेगी। 33 एसडीएम्स के नेतृत्व में टीमें का गठन किया गया है जो दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में इस अभियान के तहत कार्रवाई करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर एसडीएम्स को 27 तारीख से इस अभियान में पार्टिसिपेट करने के निर्देश दिए गए। 28 और 29 तारीख को एसडीएम द्वारा दिल्ली के सभी क्षेत्रों में आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशंस, एनजीओस के साथ अवेयरनेस मीटिंग करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सराय कालिखा में 7 दिवसीय ई ऑटो मेले का उद्घाटन किया। आज औपचारिक उद्घाटन के साथ दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मेला दिल्ली में 2 स्थानों IDTR सराय कालिखा और IDTR लोनी में शुरू हो गया है और यह 31 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। यह ऑटो चालक ई ऑटो के सभी उपलब्ध मॉडलों को देखने और चलाने में सक्षम होंगे और उपलब्ध आकर्षण ऋण के बारे में जानकारी पा सकेंगे। ई ऑटो निर्माता महिंद्रा, पीएजीओ, ईटीओ मोटर्स और सारथी सहित महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनकॉप, कन्वर्जेस, एनजी सर्विसेस लिमिटेड जैसे फाइनेंसर मेले में भाग ले रहे हैं। इस समय सर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत में सर मौजूद है। सर इनको स्टार्ट किया ये पूरे हफ्ते का इलेक्ट्रिक ऑटो मेला, स्पेशली जो ड्राइवर्स हैं, ऑटो के ड्राइवर्स हैं या जो इच्छुक हैं ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो लेने की, उनके लिए ताकि उनके माइंड में कोई सवाल ना रहे, ताकि वो यहाँ आके जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऑटोस को देख सकते हैं, चला सकते हैं, बैटरी किस प्रकार से चार्ज होगी, कितना टाइम चार्जिंग में लगेगा, ये सारे सवाल, क्योंकि यहाँ जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऑटोज भी हैं, उनके इंजीनियर्स भी हैं, उनके ऑफिसर्स भी हैं। सड़कों पर कब से उतरेगा सर? मैं समझता हूँ अगले 2 से 3 महीने में इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली की सड़कों पर। अच्छा, महिलाओं के लिए भी आपने कुछ सौगात दी है कि उनके रिजर्वेशन होगा? महिलाओं के लिए 33% मतलब 4,000 में से 33% जो है वो हमने रिजर्व किए हैं महिलाओं के लिए, जो कि सिर्फ महिला ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले CNG भी होती थी लेकिन अब इलेक्ट्रिक को शुरुआत कर दी गई है। कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो पर्यावरण में भी थोड़ा सुधार होगा। बिल्कुल, जितने इलेक्ट्रिक वाहन और जितने इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे उतना ही पोल्यूशन में कमी आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये तो हमारे साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने आज हरी झंडी दे दी है इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटो है। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में भलसवा थाना की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से जर्मनी में बनी हुई एक आधुनिक रिवॉल्वर बरामद हुई है जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। दरअसल आरोपी मोहित अपनी कंपनी
में काम करने वाली एक युवती से प्यार करता था, जिसको लेकर मोहित का एक युवक से झगड़ा हो गया था। मोहित ने उस व्यक्ति को रास्ते से हटाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि मोहित पहले भी चोरी की कई वारदातों में शामिल रह चुका है। थाना बरसवा डेयरी पुलिस स्टाफ ने कल एक मोहित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक चोरीशुदा जर्मन रिवॉल्वर और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मोहित एक लड़की को चाहता था। प्रदीप नाम के व्यक्ति को भी उसी लड़की से प्यार था और उसने मोहित को इस लड़की से दूर रहने की धमकी दी थी। मोहित प्रदीप से बदला लेना चाहता था और इसी बीच मोहित के दोस्त ने उसे बताया कि महिंद्रा पार्क में एक व्यक्ति के पास लाइसेंसी जर्मन रिवॉल्वर है। प्रदीप से बदला लेने के लिए मोहित ने उस घर का ताला तोड़कर यह जर्मन रिवॉल्वर चोरी कर लिया, लेकिन किसी और घटना के घटने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर। कहीं प्यार की दीवानगी पहुंचा ना दे जेल, जहां एक ऐसा ही मामला आउटर नॉर्थ के बलसवा डेयरी थाने में देखने को मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि मोहित नाम का शख्स जो है वो जहांगीरपुरी से चोरी करता है, जिसमें जर्मन मेड जो रिवॉल्वर है और साथ ही साथ 7 जिंदा कारतूस चुरा करके वो वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि जो मोहित है वो एक कंपनी में काम करता है और काम के साथ साथ वहां पे जो एक लड़की है उससे वो प्यार करता है और उसके साथ ही उस कंपनी में एक लड़का और है जो उस लड़की से भी प्यार करता है और वो लड़का मोहित को जान से मारने की धमकी देता है, जिसके बाद जो है कि मोहित एक प्लानिंग बनाता है और प्लानिंग के साथ ही जहांगीरपुरी से इस जर्मन मेड जो रिवॉल्वर है इसको चुराता और 7 जिंदा कारतूस को चुराता और एक बड़ी वारदात करने की फिराक में निकल जाता है। जिले के DCP जो हैं विजेंद्र यादव, उनको जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है तो वो बलसवा डेयरी थाने के जो SHO हैं हरेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में टीम बनाते हैं और अलग अलग जगहों पे छापेमारी करके इस आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो जर्मन मेड जो रिवॉल्वर है उसको भी उन्होंने बरामद कर लिया और साथ ही साथ 7 जो जिंदा कारतूस हैं उसे भी बरामद कर लिया और फिलहाल इस पूरे मामले की जो है वो जाँच चल रही है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ दिल्ली लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।